हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी प्लस यू और एज यूजुअल मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी कहानी आपको बताई थी और कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स जैसे टॉपिक्स को कंक्लूड किया था। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है बेटा वो जाता है एक साइंटिस्ट हमारे जे थॉमसन को। ठीक है जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है ये टॉपिक। और फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं, हर बार एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं बेटा। और एक तरीके से पूरी की पूरी केमिस्ट्री का फंडामेंटल यूनिट यही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम की इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपर होगी तभी आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाओगे। तो जे थॉमसन ने क्या किया था बेटा जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब में विलियम ब्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू कैथोड रेज की डिस्कवरी की और उसकी हेल्प से इन्होंने क्या कर दिया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो पहले यह समझा जाता था कि एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और दूसरा वो इंडिस्ट्रक्टेबल है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो पता चल गया कि भाई टूट तो हो सकता ही है, क्योंकि अगर कोई चीज बेटा किसी के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है इसका मतलब वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, और वो चीज नेगेटिव है इसका मतलब अंदर चार्ज पार्टिकल भी है। तो जब ये सारे थॉट्स आने लगे बेटा तो जे थॉमसन ने क्या किया, कुछ अपने व्यूज दिए एटम को लेके। उस व्यूज में वैसे तो 3 व्यू थे उनके अलग अलग, लेकिन जो व्यू वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया उसे ही हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और यू कैन से जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं आज हम लोग बेटा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एक्चुअल में जे थॉमसन ने क्या कहा बेटा, उन्होंने कहा कि भाई एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसा ही कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल है तो कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो अगर मैं सही मायने में कहूं तो उन्होंने एक थॉट सा जनरेट किया कि एटम इज ए स्फीयर। एटम क्या है, एक स्फीयर है, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रेंडमली। एम्बेडेड को अगर हम समझे बेटा, एम्बेडेड मीन्स अगर आप बिल्कुल बेसिक भाषा में समझते हैं, एम्बेडेड का मतलब होता है कोई चीज धसी हुई है, फंसी हुई है किसी के अंदर, जैसे वाटरमेलन में सीड्स फंसे हुए हैं बीच में, तो दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड इन बिटवीन। तो उन्होंने ये मॉडल दिया बेटा, उन्होंने कहा कि भाई जो एटम है वो एक स्फीयर है, पॉजिटिव मास का स्फीयर है, और इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा इसके बारे में व्यूज नहीं थे, बहुत अर्ली डेज का ये मॉडल था। तो एक्चुअल में इसकी स्टेटमेंट क्या, एक बार वो समझिए, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एन एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव मास इन विच negatively charged electrons are embedded in between। तो मोटे तौर पर बेटा यह था हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल को 2 नाम से और जाना जाता है बेटा। फर्स्ट वन इज नोन एज, एक तो हो गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हो गया हमारे पास, यू कैन से सेकंड इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग मॉडल से मतलब क्या है बेटा, प्लम पुडिंग का मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे कोई मान लीजिए हमारे पास बेकरी का आइटम कोई केक है और उसके ऊपर फ्रूट्स की एक तरीके से पुडिंग कर दी गई है उसको, जैसे आप केक जो मार्केट से लेके आते हैं ऊपर स्लाइसेस लगी होती है ना फ्रूट्स की, कई बार समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड प्लम। तो इस मॉडल को बेटा एक नाम और दिया गया इसके शेप स्ट्रक्चर को देखते हुए, दैट इज वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल।
यानी कि तरबूज के जैसा। अब जो तरबूज है बेटा उसमें जो फ्रूटी पार्ट है जो हम कंज्यूम करते हैं वो मान लिया गया सारा का सारा पॉजिटिव है, और अंदर की जो सीड्स है बेटा जी उन्हें मान लिया गया इलेक्ट्रॉन्स है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ रही है, तरबूज और अंदर के सीड्स बीज जो हम बोलते हैं वैसा मॉडल उन्होंने एक तरीके से सजेस्ट किया था, तो इस वजह से उसको हम वाटरमेलन मॉडल या फिर केक के ऊपर पुडिंग के हिसाब से प्लम पुडिंग मॉडल या फिर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। लेकिन हुआ क्या बेटा, 1911 में एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, उन्होंने क्या किया अपने दो स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट के लिए बोला, स्टूडेंट्स के नाम थे गार्गर और मार्डिसन। उन्होंने कहा कि भाई एक एक्सपेरिमेंट करो जिसको हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जो इसे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट कराया तो प्रॉब्लम क्या है बेटा, जो उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट are not justified by Thomson model of atom। क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे बेटा कि रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी और वो बड़ी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी, तो उन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब थॉमसन मॉडल से वो सवाल पूछे गए कि जी हमें तो ये चीजें पता चली हैं, क्या ये चीजें आपका मॉडल सेटिस्फाई कर सकता है, तो अनफॉर्चुनेटली बेटा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम उन ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। ये वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का। एक और ड्रॉबैक था बेटा वो ये था कि वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, देखिए मास पॉजिटिव और ये, इसकी ओवरऑल न्यूट्रलिटी कैसे मैनेज होती है इसको नहीं समझा पाए थे, अनेबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। तो ये दो फंडामेंटल बेटा ड्रॉबैक थे, ड्रॉबैक बहुत थे लेकिन उस इरा के अंदर तब तक ये दो फंडामेंटल ड्रॉबैक ऐसे थे जिसको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। तो इन कमियों को देखते हुए फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक थॉट और बना, ठीक है, रदरफोर्ड का कौन सा एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक थॉट और बना कि भाई एटम कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये सारा डिस्कशन कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट करवाया अपने स्टूडेंट से, क्या ऑब्जर्वेशन थी उनकी और क्या उन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किए, वी विल डिस्कस इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये है बेटा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने का नहीं है, एक बार बस गो थ्रू हो जाइए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू रीड इट, एक बार सुन लो इसको और आगे बढ़ो। अगला जो टॉपिक आएगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो बहुत फ्रूटफुल भी है, नॉलेजेबल भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा जरूरी, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लिखे हैं।